पहचानने में आ रही है लड़की, ये वही लड़की है, देखो गौर से इस लड़की को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, पहला अगेन वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज श्रावण महीने का लास्ट सोमवार है, तो सभी शिव भक्तों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, एकदम बधाई। और आज श्रावण महीना खत्म हो जाएगा क्योंकि आज श्रावण महीने का लास्ट सोमवार है, तो काफी लोग आज मंदिरों में पानी चढ़ाने गए हैं, तो हम भी आज जा रहे हैं अपने भूतनाथ के मंदिर में, जो कि वहाँ पे आज एक छोटा सा कार्यक्रम है लेडीज मंडली का, तो वहाँ पे थोड़ा कीर्तन होने वाला है, तो उन लोगों ने आज हमको बुलाया है। वीडियो होने वाला है जबरदस्त, क्योंकि आज जो पहली शुरुआत हो रही है और ये तोली का तुमनाथ का, यहाँ पे हमारे ताई जी भी हैं, देख सकते हैं। तो अभी जो हम जा रहे हैं, लास्ट टाइम दिखाया था मैंने तोली का तुमनाथ, और इसको पहचानते हैं आप लोग, पहचानने में आ रही है लड़की, ये वही लड़की है, देखो गौर से इस लड़की को। तो हम जा रहे हैं अभी तोली के तुमनाथ में। तो गाइस, पहले इनका प्रोग्राम था कि भूतनाथ के मंदिर में भजन करने के लिए, लेकिन सडनली इनका प्रोग्राम चेंज हुआ, ये जा रहे दीपी, जिसका मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था भूतनाथ के मंदिर में, इनका प्रोग्राम ये कैंसिल हुआ क्योंकि वहाँ पे पानी, कल रात को बारिश हुई थी, पूरे ग्राउंड में जो फील्ड है भूतनाथ का उसमें पानी था, तो सडनली इन लोगों का प्रोग्राम बन गया कि इनको दीपी के पास आना है। और देख सकते हैं कितने सारी महिलाएं, महिला मंडली, और देख सकते हैं हमारी बुआ जी जो सबसे बुढ़िया है इनमें, और मैं बुलाता हूँ इनको बुड्ढी के नाम से, हो ये मजाक के तौर पे, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी हम जा रहे दाने के लिए भी। मैं देख सकते हैं आप लोग कितने सारे लोग आ रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा पब्लिक पीछे से आ रही है। गाइस, मैं हम पहुंच गए झूला पुल में, आपने बहुत सारे ब्लॉग में मेरा ये झूला पुल देखा होगा, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा झूला पुल है ये। और मेरे साथ आ रखे हैं मेरे छोटे भाई शुभम नेगी पहाड़ी, इनका भी YouTube पे एक चैनल है और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो भाई को भी सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार देते रहें। तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो भाई को भी सपोर्ट कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, अपना ये छोटा भाई है। देवी के मंदिर के जस्ट पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा देवी का मंदिर है, और हमारा झूला पुल का सफ़र भी यहीं पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि झूला पुल ख़त्म हो गया और अभी हम पहुँचेंगे देवी के मंदिर में, और वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे भजन होते हैं और कैसे कैसे इन लोगों ने अपने कुछ भजन भी लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को आज सुनाएंगे कुछ न्यू वर्जन में भजन, जो कि भजन हर जगह होते हैं, लेकिन जो आज भजन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने वाले हैं वो ज़बरदस्त होने वाले हैं। और ऐसा कार्य हमारे गांव में फर्स्ट टाइम हुआ, जबकि हमारे जो प्रधान बनी हुई है मीना राणा, फर्स्ट टाइम ये प्रधान बनी है, और इन्होंने गांव में काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी गाँव में सुधारी हैं, जैसे रास्ते हो गया, या फिर महिलाओं के लिए कुछ अलग सा, मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि पहले हमारे गांव की महिला क्या महिलाएं क्या होती थी कि जैसे ही रात खुली वैसे घास के लिए चले जाते थे, और 12-1 बजे का टाइम उनका घर आने का होता था, घर आके खाना खाने के बाद तुरंत खेत में खेतों का काम हो जाता, या फिर लकड़ी या फिर गौशाला वगैरह वगैरह। लेकिन जब से मीना राणा हमारे गाँव की प्रधान बनी, इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, गाँव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे इसमें एक उदाहरण के तौर पे ये महिला संगीत है, ये हमारे गांव में आज से पहले कभी नहीं हुआ था, जब से मीना राणा हमारी गांव की प्रधान बनी है, इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया और महिला संगीत में इसका एक हिस्सा है। पहुंच गए हैं देवी के मंदिर में, ये देख सकते हैं, ये हमारे देवी के मंदिर है, और पूरे महिला मंडली पहुँच चुकी है, मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं, जहाँ पे कीर्तन होना है वहाँ पे हल्की सफाई हो रही है, और ये देख सकते हैं आजकल जो खेती हो रही है हमारे यहाँ कोदे की, वो सबसे पहले देवी के मंदिर वाले जो खेत है उसमें हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और अभी होगा यहाँ पे कीर्तन चालू, तो दिखाएंगे आपको न्यू मंदिर में, और ये देख सकते हैं ये हमारी देवी की मंदिर है, यहाँ पे फोटो है देवी की, और अभी महिलाओं ने यहाँ पे दीप लगाए तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी खुशी हो रही है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि श्रावण महीने का आज आखिरी सोमवार है, इसके बाद मतलब इस मंदिर में दिया लगेगा, लेकिन अगले साल लगेगा, या फिर यहाँ पे कोई पाठ पूजा वगैरह वगैरह होगा तभी यहाँ पे दिए लगेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्योंकि गांव से काफी दूर है तो दिए नहीं लगेंगे, दिए लगेंगे मतलब जब कोई यहाँ पे पूजा करेगा पाठ करेगा तभी यहाँ पे दिए लेंगे, या नहीं तो अन्यथा यहाँ क्योंकि गांव से काफी दूर है यहाँ पे दिया नहीं लगता है, श्रावण के महीने में कंटिन्यू 30 दिन यहाँ पे दिए लगते हैं, तो आज दिया मतलब खत्म हो जाएगा, दिया को यहाँ पे मतलब हमारी गढ़वाली भाषा बोलते हैं घरों, मतलब आज दीवा घरों और बड़ा बेटी अब दीवा नहीं लगे, ये व्यवसाय हम आज छोटी सी पूजी भी, और जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पे एक
कीर्तन का आयोजन कर रखा है। लक्ष्मी देवी है। कदा उम्र सो 49 कबार भी करना तुम्हें कीर्तन भजन मंदिर में अगले साल से पिछले साल से। अच्छा तो जब मतलब नई प्रधानमंत्री मीना राणा तब से मतलब ये कीर्तन भजन चालू हुआ, महिला संगीत शुरू हुआ, इन्होंने चालू किया मीना राणा ने। अच्छा तो कथा मंदिर में तुम उन पूजा करिए। हम बामनार गए, सावना में गए, भूतनाथ के मंदिर में गए। अच्छा नंदा देव लास्ट टाइम पर नंदा देव वहाँ से शुरू किया। बाबा के नारी नाथ बाबा ने से बजाया डमरू कला के लाज पर वन मगन
शाम की 5 बज रही और मैं जा रहा थोड़ा रोड साइड घूमने के लिए। सुबह तक तो वही था, देखा आपने कि कैसे हमारे यहाँ की महिलाओं ने भजन गाया, कीर्तन गाया और कैसी करके मतलब लाल सुमार को विदा किया भोलेनाथ को। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब याद से करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी।